अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एलाइड कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान। एंड दिस इज़ योर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी लेक्चर। एंड यू आर फैमिलियर दैट वी आर स्टडिंग द पोर्शन ऑफ फिजियोलॉजी इन दिस वीक। आपको पता ही है कि हमारा जो टॉपिक है वो फिजियोलॉजी का हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है। एनाटॉमी जो है वो हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट की हुई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम चैप्टर नंबर 2 के एनाटॉमी को ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस वीक में मैं फिजियोलॉजी का जो है आप लोगों को स्टार्ट कराया था। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो थोड़ा सा रिवीजन कर ली थी रिगार्डिंग फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 जो है वो हमारा सेल के स्ट्रक्चर से रेलेवेंट था, जिसमें हमने इनिशियली जो है वो सेल का सारा स्ट्रक्चर, उसके कंपोनेंट्स, उसकी कंपोजिशन, इस सबको देख लिया था। और फिर जो है वो ऑर्गेनेल्स की तरफ हमने मूव किया था। ऑर्गेनेल्स बेसिकली क्या होते हैं? सेल के अंदर आप कह लो कि इंट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑर्गेनेल्स, जिनका हम कहते हैं कि स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो ये मैंने आपको क्लास में बताया था कि ऑर्गेनेल्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने में। जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, इसी तरह सेल के अंदर जो है वो ऑर्गेनेल्स होते हैं जो अपना स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो उन ऑर्गेनेल्स में सबसे पहले हमने डिस्कस किया था अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, जिसको मैंने आपको बताया था कि आउटर कवरिंग होती है एनिमल सेल की। और इसकी कंपोजिशन हमने देखी थी कि ये प्रोटीन्स इसमें 55% होती हैं, लिपिड्स जो है वो 40% और कार्बोहाइड्रेट्स 5% इसमें मौजूद होते हैं। और फिर हमने फंक्शंस देखे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, तो ये प्रोटेक्शन के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, शेप एंड साइज ऑफ सेल के लिए, और बाइंडिंग ऑफ हार्मोन्स के अंदर भी कहीं ना कहीं अपना रोल थोड़ा बहुत प्ले करती थी। उसके बाद हमने पढ़ा था न्यूक्लियस के बारे में, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें जो करंट टॉपिक था हमारे पास जो हमने डिस्कस किया रिसेंटली वो न्यूक्लियस का था। तो न्यूक्लियस को थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। न्यूक्लियस क्या था? कंट्रोल सेंटर था सेल का। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स के जिस तरह से सेल के अंदर, सॉरी, कंप्यूटर के अंदर CPU जो है इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसी तरीके से जो सेल होता है उसका जो ब्रेन होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। यही तमाम फंक्शंस को, तमाम एक्टिविटीज़ को, सेल डिवीजन को कंट्रोल कर रहा होता है। और जो हेरिडिटरी मटेरियल पास हो रहा होता है फ्रॉम आप कह लो वन जनरेशन टू अनदर, तो वो भी कंट्रोल करने में न्यूक्लियस का बहुत ज़्यादा रोल होता है। उसके बाद हमने थोड़ा सा स्टडी कर लिया था अबाउट मोनोन्यूक्लिएट और बाइन्यूक्लिएट का। तो मोनो का मतलब होता है एक, तो मैंने कहा था कि जो सेल जिनमें एक न्यूक्लियस था उनको हम मोनोन्यूक्लिएट कहते हैं, और वो सेल जिनमें दो न्यूक्लियाई थे उनको हम बाइन्यूक्लिएट कहते हैं। यह हमने डिस्कस कर लिया था टाइप्स ऑफ आप कह लो सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, मोनोन्यूक्लिएट, बाइन्यूक्लिएट। और फिर सेल की न्यूक्लियस की बेस पर ही हम कहते थे कि कुछ सेल प्रोकैरियोट्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, और कुछ यूकैरियोट्स होते हैं जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस जो है वो किसके मिलकर बना हुआ होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, न्यूक्लियोप्लाज्म का, क्रोमोसोम्स का और न्यूक्लियोलस का। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है या न्यूक्लियर इन्वेलप जो है उसमें मैंने कहा था कि जो इन्वेलप जिसने कवर किया हुआ होता है न्यूक्लियस को, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या यू कैन से उसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। और ये एक डबल मेम्ब्रेन थी और इसी के अंदर पोर्स थे। उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म क्या था? ये एक विस्कस सा मटीरियल था, गाढ़ा सा मटीरियल था जिसके अंदर ग्राउंड सब्सटेंसेस न्यूक्लियस के बनते हैं। और फिर क्रोमोसोम्स को मैंने आपको बताया था कि IJV इस तरह की शेप के होते हैं, और क्रोमेटिन भी बेसिकली थ्रेड लाइक मटेरियल होता है। जब ये फोल्ड होता है तो क्रोमोसोम्स का जो है वो शेप या क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर जो है वो अडेप्ट कर लेता है, और उसी के अंदर तमाम हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन जो है वो मौजूद होती है। उसके बाद हमने स्टडी किया था न्यूक्लियोलस को। तो ये मैंने कहा था कि मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर जो है न्यूक्लियस का वो न्यूक्लियोलाई था, और ये इन्हीं में राइबोसोम्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे थे, यानी प्रोडक्शन में रोल कौन प्ले कर रहा था? राइबोसोम्स के, न्यूक्लियोलस। उसके बाद हमारे पास फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस हमने स्टडी किए थे। तो फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस में मैंने आपको बताया था
इट इज़ अ कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, इट कंट्रोल्स द प्रोटीन सिंथेसिस बाय मैसेंजर आरएनए। कल थोड़ा सा ये बात मैं आपको एक्सप्लेन कर आई थिंक नहीं हुई थी कि स्टूडेंट्स डीएनए से आरएनए का बनना, इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये लिखने बाद कि डीएनए से आरएनए का बनना इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन्स का बनना इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ये दो टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना या डीएनए से आरएनए का बनना हमारे पास, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन्स का बनना इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। और डीएनए और आरएनए में आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और डीएनए जो है उसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड है। ये बीच बीच में बातें इसलिए बता रही हूँ कि हो सकता है वाइवा में आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ओके, नाउ बैक टू द टॉपिक। इट कंट्रोल, जो न्यूक्लियस है ये कंट्रोल करता है सेल डिवीजन को, और ये कंट्रोल करता है एक्टिविटी ऑफ साइटोप्लाज्म को। अब हमारे पास जो करंट हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है चैप्टर नंबर 2 में, वो है हमारे पास साइटोप्लाज्म का। तो प्रीवियस में आपको इसलिए रिवाइज कराती हूँ ताकि आपको जो कोई कन्फ्यूजन है या हमारा नया टॉपिक है उसको पढ़ने के लिए आपका जो एक कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा डिवेलप अच्छी हो जाती है अगर प्रीवियसली टॉपिक को रिवाइज करा दिया जाए। तो अब हमने स्टार्ट करना है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज डैट पोर्शन विच सराउंड द न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म वो पोर्शन होता है जिसने सराउंड किया हुआ होता है, घेरा हुआ होता है किसको, न्यूक्लियस को, एंड इज बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। इसने, साइटोप्लाज्म ने सराउंड किया हुआ होता है न्यूक्लियस को और ये बाउंड होता है सेल मेम्ब्रेन से। मैं आपको पहले बताया था कि सेल मेम्ब्रेन ने इनक्लोज किया हुआ होता है साइटोप्लाज्म को, इसीलिए हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कह देते थे सेल मेम्ब्रेन को, क्योंकि इसने सराउंड किया हुआ था, बाउंड किया हुआ था साइटोप्लाज्म को। तो साइटोप्लाज्म वो पोर्शन होगा जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होगा और ये बाउंड होगा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। नाउ लुक एट द डायग्राम ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये जो आपको ब्लू, लाइट ब्लू सा पार्ट नज़र आ रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ये जो ये वाला पार्ट आपको नज़र आ रहा है जिसमें ये ऑर्गेनेलीज जो हैं ये फ्लॉट कर रहे होते हैं, इसी ब्लू पोर्शन को हम स्टूडेंट्स कहते हैं क्या है, साइटोप्लाज्म। ये वाला लाइट ब्लू कलर का जो आपको नज़र आ रहा है, ये बाकी तो ये ऑर्गेनेलीज है ना, इसमें ये न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है और माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह हैं, लेकिन ये जो ब्लू जिसमें ये सब ऑर्गेनेलीज हैं इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट इज जोन्स ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म को हमने एरिया वाइज जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है कि उसका एरिया यानी वो है कहाँ, किस लोकेशन पर है, उसमें जो है वो हमने इसको दो आप कह लो के पार्ट्स पे डिवाइड किया हुआ है, एक है एक्टोप्लाज्म और एक है एंडोप्लाज्म। तो एक्टो मतलब आप समझ लो आउटर, या हाँ एक्टो नियर टू द पेरिफेरी यानी बाउंड्री के करीब करीब, और एंडो का मतलब होगा अंदर की तरफ, एंडो का मतलब होता है अंदर की तरफ। एक्टोप्लाज्म यानी आप कह लो कि ये थोड़ा सा पेरिफेरी के गिर्द इर्द गिर्द, बाउंड्री के इर्द गिर्द होगा। और तो एरिया के हिसाब से जोन्स ऑफ साइटोप्लाज्म जो है वो हमने दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किए हुए होते हैं, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। तो एक्टोप्लाज्म क्या होता है स्टूडेंट्स, डैट जोन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का वो जोन या आप कह लो वो एरिया विच इज़ नियर टू सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन के जो है वो नज़दीक होता है उसको हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म। क्या होता है एक्टोप्लाज्म, डैट जोन ऑफ साइटोप्लाज्म विच इज़ नियर टू सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एक्टोप्लाज्म। जो सेल मेम्ब्रेन के करीब करीब होगा उसको हम कहेंगे एक्टोप्लाज्म। और उसके बाद एंडोप्लाज्म, डैट जोन ऑफ साइटोप्लाज्म विच इज़ नियर टू न्यूक्लियस, और जो न्यूक्लियस के करीब करीब होगा उसको हम कहेंगे एंडोप्लाज्म। फिर देखें एक्टोप्लाज्म क्या होगा, जो नियर टू सेल मेम्ब्रेन होगा, और एंडोप्लाज्म क्या होगा, जो नियर टू न्यूक्लियस होगा। अब सेल मेम्ब्रेन होती है बाहर की तरफ, एंडो न्यूक्लियस होता है अंदर की तरफ, यानी जो पोर्शन अंदर की तरफ होगा उसको कहेंगे एंडोप्लाज्म
और जो बाहर की तरफ होगा सेल मेम्ब्रेन के करीब करीब होगा उसको हम कहेंगे एक्टोप्लाज्म। तो अब ये डायग्राम आपके सामने डिस्प्ले हो रही है, इसमें आपने सब स्ट्रक्चर्स को इतना कंफ्यूज नहीं होना। न्यूक्लियस दिखाया हुआ है, ये जो है ये हमारे पास न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, और ये जो है ये प्लाज्मा लेमा है। प्लाज्मा लेमा यानी सेल मेम्ब्रेन है। तो जो आप समझ लो साइटोप्लाज्म का पोर्शन इसके करीब होगा, इस सेल मेम्ब्रेन के करीब होगा, उसको हम कहेंगे एक्टोप्लाज्म। ये देखो, ये उन्होंने डॉटेड लाइन से ये जो शो किया हुआ है, ये हमारे पास जो जोन है वो एक्टोप्लाज्म का है, और ये किसके करीब है, ये इस प्लाज्मा लेमा के करीब है। ये बाहर जो प्लाज्मा लेमा, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एक ही बात है, इसके करीब जो पार्ट है ये वाला डॉटेड लाइन्स में जो शो हुआ हुआ है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एक्टोप्लाज्म। और फिर जो ब्लैक डार्क ब्लैक कलर का ब्लैक कलर का ये जो पोर्शन है, इसको हम इस पार्ट को हम कहते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के पास जो साइटोप्लाज्म होगा उसको हम कहेंगे एंडोप्लाज्म। यानी एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म बोथ आर द साइटोप्लाज्म बेसिकली, बट बेस्ड ऑन द लोकेशन वी हैव डिवाइडेड द साइटोप्लाज्म इनटू टू पार्ट्स, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। द पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, द एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म दैट इज नियर टू द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एक्टोप्लाज्म, एंड द पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म दैट इज नियर टू द न्यूक्लियस इज नोन एज एंडोप्लाज्म। तो ये वाइवा का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाता है कि बच्चे डिफाइन करो साइटोप्लाज्म क्या होता है, पहले आप साइटोप्लाज्म का बता दोगे, और जब अगर आप साइटोप्लाज्म का इंशाल्लाह अच्छे से बता दोगे कि वो जिस वो पोर्शन जो उसने सराउंड किया हुआ होता है न्यूक्लियस को और इसको बाउंड किया हुआ होता है सेल मेम्ब्रेन ने, तो फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि जोन्स ऑफ साइटोप्लाज्म बताएं, या सिंपल वो पूछ सकते हैं एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म के बारे में बताएं। तो ये जो है ये हमारे पास एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म की डेफिनेशंस कर लोगे। डैट जोन ऑफ साइटोप्लाज्म विच इज़ नियर टू सेल मेम्ब्रेन इज एक्टोप्लाज्म, एंड डैट जोन ऑफ साइटोप्लाज्म विच इज़ नियर टू न्यूक्लियस इज एंडोप्लाज्म, और ये डायग्राम बना दोगे। तो ये हमारे पास ये आपका क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो जाएगा और वाइवा के लिए भी आपका क्लियर हो गया है। एमसीक्यूज बनाऊंगी तब भी एंडोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म से रेलेवेंट एमसीक्यूज आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कंपोजिशन। जिस तरह न्यूक्लियस की हमने कंपोजिशन पढ़ी थी, इसी तरह से हमें साइटोप्लाज्म की भी कंपोजिशन को स्टडी करना है। तो कंपोजिशन की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें थ्री मेजर पार्ट्स हैं, साइटोसोल है, इंक्लूजंस हैं और ऑर्गेनेलीज हैं। थ्री हैं, साइटोसोल, इंक्लूजंस और ऑर्गेनेलीज। तो साइटोसोल जो है, हम इनको वन बाय वन तीनों को डिस्कस कर लेते हैं कि साइटोसोल क्या होता है, कि क्लियर फ्लूइड ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल। जो इसका क्लियर फ्लूइड होता है साइटोप्लाज्म का, उसको हम क्या कहते हैं, साइटोसोल कहते हैं। और यहाँ पर अगर आपको याद हो कि जब हमने साइटोसोल के हवाले से पढ़ा भी था कि जिसमें ऑर्गेनेलीज, जिस एरिया में ऑर्गेनेलीज फ्लॉट कर रहे होते हैं वो एक वाटरी सा फ्लूइड होता है जिसको साइटोसोल कहते हैं। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद है तो जो वो वाटरी सा फ्लूइड जिसके अंदर ऑर्गेनेलीज फ्लॉट कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं, उसको हमने कहा था साइटोसोल का। और साइटोसोल में स्टूडेंट्स 90% वाटर होता है। जब इसमें 90% वाटर होगा तो ये बहुत ज़्यादा आप कह लो क्लियर होगा ना। वाटर तो आप कह लो कि उसमें किसी किस्म की कोई टर्बिडिटी नहीं होती। तो जो साइटोसोल है वो हमारा क्लियर वाटरी सा फ्लूइड है, और इसमें मैंने आपको बताया कि 90% जो है वो क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है साइटोसोल में। तो क्या हुआ साइटोसोल को हम डिस्कस करते हैं कि साइटोसोल इज़ द क्लियर फ्लूइड ऑफ साइटोप्लाज्म, और इसी के अंदर, इसी पार्ट के अंदर ऑर्गेनेलीज जो है वो फ्लॉट कर रहे होते हैं। बिकॉज साइटोप्लाज्म में ही ऑर्गेनेलीज ने फ्लॉट करना है। तो जो आप कह लो कि जिस पोर्शन में वो फ्लॉट करते हैं, जिस ऑर्गेनेलीज में पार्ट में ऑर्गेनेलीज फ्लॉट कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं साइटोसोल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक साइटोसोल था, दूसरा है इंक्लूजंस। इंक्लूजंस हमने स्टूडेंट्स पढ़ी थी माइक्रोबायोलॉजी के लेक्चर में, जब मैं आपको बैक्टीरिया पढ़ा रही हूँ, तो उसमें हमने पढ़ा था कि ये जब बैक्टीरिया के पास कमी हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की, तो इसके पास स्टोर किए हुए जो है वो आप कह लो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं लिपिड्स के और ग्लाइकोजन वगैरह, तो वो यूज़ कर लेता है। वो जब उसके पास न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है तो वो रिजर्व्स यूज़ कर लेता है। तो इंक्लूजंस जो है वो सेल में भी होती हैं, जाहिर सी बात है हर सेल में मौजूद होंगी। तो इंक्लूजंस चूँकि ये पार्ट है साइटोप्लाज्म का, ये साइटोप्लाज्म में मौजूद होती हैं इंक्लूजंस।
अब इसको स्टडी करते हैं कि इन्फ्लुएंस होती क्या है। इन्फ्लुएंस आर स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। जाहिर सी बात है, अगर सॉल्युबल हो जाएंगे तो ये अलग से तो नहीं ना नज़र आएंगी, तो ये इनसॉल्युबल होती हैं, यानी कि ये हल नहीं होती, और सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। अब सस्पेंडेड का वर्ड होता है जिसका मतलब होता है कि ये आप कह लो कि उसमें डिसॉल्व नहीं होती बल्कि सस्पेंडेड होती है। सस्पेंड का मतलब होता है लटकना, तो यहाँ पर वो कह रहा है मौलिक होना, वो मौलिक होती हैं, वो अलग से आपको मैं अभी डायग्राम दिखाती हूँ कि वो डिसॉल्व नहीं होंगी, उसमें सस्पेंडेड होंगी। किस में भला? साइटोप्लाज्म में। इन्फ्लुएंस जैसे आपको आपने वो पढ़ा ब्रूफीन की देखते हो आप सस्पेंशन, तो उसमें जो आपको ऑरेंज ऑरेंज से पार्टिकल्स नज़र आ रहे होते हैं जो सस्पेंडेड होते हैं उसमें आपकी मेडिसिन में, तो वो भी उसको कहते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स, तो जो बिल्कुल उसमें डिसॉल्व नहीं होते, अलग से जो है वो सस्पेंड होते हैं। इसी तरीके से ये जो इन्फ्लुएंस हैं ये सस्पेंडेड होती हैं साइटोसोल के अंदर, और ये इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होती हैं। स्टोर्ड फूड ग्रैन्यूल्स पिगमेंट्स आर द इन्फ्लुएंस इन द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में कौन कौन से इन्फ्लुएंस हैं? स्टोर्ड फूड, वही बात जो पहले बताई बैक्टीरिया के हवाले से, और ग्रैन्यूल्स मौजूद होते हैं। ग्रैन्यूल्स भी दान आप कह लो कि जिस तरह से दानेदार सी अपीयरेंस होती है, और पिगमेंट्स आर द इन्फ्लुएंस इन द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म की इन्फ्लुएंस हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द इन्फ्लुएंस, और फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है गिव द टेल मी द नेम्स ऑफ सम इन्फ्लुएंस इन द साइटोप्लाज्म। तो इन्फ्लुएंस की डेफिनेशंस बता देंगे, और फिर जो है वो इसकी आप नेम बता दोगे कि इन फॉर्म ऑफ स्टोर्ड फूड ग्रैन्यूल्स और पिगमेंट्स जो है वो इन्फ्लुएंस साइटोप्लाज्म में मौजूद होती हैं। तो उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, मैंने आपको इसकी डायग्राम दिखा देती हूँ इन्फ्लुएंस की। ये देख लीजिए कि ये इस तरह से इनकी इन्फ्लुएंस बॉडीज़ की स्ट्रक्चर होता है, ये साइटोप्लाज्म में होती है, ये इस तरह से अपीयर हो रही होती हैं। और मैंने आपको बैक्टीरिया में बैक्टीरिया पढ़ा रही थी तब भी मैंने आपको दिखाया था कि ये इस तरह से इनकी अपीयरेंस होती है। तो ये था इन्फ्लुएंस के हवाले से। तो क्या डिस्कस किया अभी हमने? हमने कंपोजिशन में साइटोसोल देखा कि क्लियर फ्लूइड जो होता है वो साइटोसोल कहलाता है, और उसके बाद जो है मैंने आपको ये भी बता दिया 90% इसमें वाटर होता है। एक क्वेश्चन ये नोट डाउन कर लें, पूछ सकते हैं कि इसमें कितने परसेंट वाटर होता है, तो ऑलमोस्ट 90% जो है वो साइटोसोल में वाटर होता है। फिर इन्फ्लुएंस को स्टडी कर लिया, इसके हमने डायग्राम देख ली। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनेलीज। तो फिर वही बात, ऑर्गेनेलीज क्या थे? दीज आर द इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर डेट हैज वन और मोर स्पेसिफिक जॉब टू परफॉर्म इन द सेल। कि इनके इनका काम होता है सेल के अंदर कोई ना कोई स्पेसिफिक जॉब परफॉर्म करना। जैसे स्टूडेंट्स हमारे बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, कि मैं कहूँ ब्लड को पम्प करने के लिए हार्ट मौजूद है, इसी तरीके से अगर हम कहें कि वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने के लिए, या हम कह लें कि यूरिन प्रोडक्शन में किडनी इन्वॉल्व होती है, इस तरह से जो रेस्पिरेशन है या आप कह लो सांस लेने का अमल है उसमें लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, और हर एक का स्पेसिफिक फंक्शन है। इस तरीके से फूड को डाइजेस्ट करने में या आप कह लो स्टोर करने में स्टमक का रोल होता है। तो हर ऑर्गन अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। इसी तरीके से जो सेल्स होते हैं उनके अंदर स्पेसिफिक फंक्शंस जो परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं, और ऑर्गेनेलीज इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, या फिर आप कह लो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेल के अंदर मौजूद स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका अपना स्पेसिफिक जॉब होती है जो सेल में परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स कहाँ इन्वॉल्व होते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। राइबोसोम्स कहाँ इन्वॉल्व होते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेल के अंदर जो एटीपी बन रही होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में जो एनर्जी बन रही होती है वो कौन बना रहा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा होता है। इस तरह सेल की सिक्रीशंस जो हो रही होती हैं उसमें कौन इन्वॉल्व होता है? गोल्जी ऑपरेटस इन्वॉल्व होता है। हर स्ट्रक्चर का अपना, हर ऑर्गेनेली का अपना कोई ना कोई फंक्शन होता है जो वो परफॉर्म कर रहा होता है। तो ऑर्गेनेलीज आर द इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर्स डेट हैज वन और मोर स्पेसिफिक जॉब टू परफॉर्म इन द सेल। सेल में परफॉर्म करता है अपना स्पेसिफिक जॉब। अब हम ऑर्गेनेलीज को डिस्कस करते हैं कि ऑर्गेनेलीज स्टूडेंट्स दो टाइप की होती हैं, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज होती हैं और नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज होती हैं। अब
मैंने आपको जब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि कुछ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होते हैं जिनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा अपनी एक मेम्ब्रेन होती है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने तो इनको सराउंड किया हुआ है ना। मैं उस मेम्ब्रेन की बात नहीं कर रही बल्कि इन स्ट्रक्चर्स की अपनी एक मेम्ब्रेन होती है, इसलिए हम इन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज। इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज। और क्या ये प्रोकैरियोट से मौजूद होंगे? प्रोकैरियोट्स वो थे जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी नहीं था और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज भी नहीं थी। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रोकैरियोट्स में नहीं होंगी, यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद होंगी। तो कौन कौन सी दो ऑर्गेनेलीज हैं? मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज हैं और नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली की अपनी अलग से मेम्ब्रेन मौजूद होगी, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली की अपनी अलग से मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होगी। मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज आई एम रिपीटिंग प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं होंगे और मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज यूकैरियोट्स में मौजूद होंगे। उसके बाद हमारे पास मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज की अगर हम डेफिनेशन को देख लें तो ऑर्गेनेलीज सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन, वो ऑर्गेनेलीज जिन्हें सराउंड किया हुआ होता है मेम्ब्रेन, जिन्हें मेम्ब्रेन ने सराउंड किया हुआ होता है उसको हम कहते हैं मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज। उन ऑर्गेनेलीज को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज, कि जो सराउंडेड होते हैं मेम्ब्रेन से, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी अपनी अलग से मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को कहते हैं स्टूडेंट्स क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? क्रिस्टी। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन को आप कहते हैं सिस्टर्नी। सिस्टर्नी, तो ये अपना जो है लिख लें, जब मैं ये इंडिविजुअल आपको माइटोकॉन्ड्रिया स्टडी कराऊंगी फिर बताऊंगी कि सिस्टर्नी और क्रिस्टी जो है वो उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये ऑर्गेनेलीज हैं जिनकी अपनी अपनी मेम्ब्रेन मौजूद होगी। आई एम रिपीटिंग के माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को क्रिस्टी कहते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन को सिस्टर्नी कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हम कमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। साइटोप्लाज्म हमारा कंप्लीट हो जाएगा इस लेक्चर में, तो फिर नेक्स्ट हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही स्टडी करना है हमने, और उसके बाद जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया देख लेंगे। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो टाइप का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लेकिन उसको भी हम यहाँ डिस्कस नहीं करें क्योंकि अभी हमारा कंसर्न है मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज का। तो वो ऑर्गेनेलीज जिनकी अपनी मेम्ब्रेन होगी उनको हम कहेंगे मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज, और इसकी एग्जाम्पल में हम कह लेंगे के माइटोकॉन्ड्रिया है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये देखें, ये डायग्राम में हमें अच्छे से शो हो रहा है कि अगर ये देखें ये माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम है, तो ये देखें इसमें मेम्ब्रेन मौजूद है, इनर मेम्ब्रेन लिखा हुआ है, आउटर मेम्ब्रेन लिखा हुआ है, और ये जो अंदर की तरफ आप कह लो कर्व हुई हुई है, ये देखें ये अंदर की तरफ जो वो हुई हुई है इनको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्रिस्टी। ये और इसके अंदर जो है वो मैट्रिक्स होता है और इसी में राइबोसोम्स भी होते हैं और यहाँ देखें ग्रेन्यूल्स भी मौजूद हैं। तो ये जो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हुई हुई है स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन, इसको हम कहते हैं क्रिस्टी, और बाहर वाली जो है वो सिंपल सीधी सी होती है, वो कर्व नहीं होती, इसको हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। और इसी क्रिस्टी के अंदर जो है ये राइबोसोम्स भी मौजूद हैं, ग्रेन्यूल्स भी मौजूद हैं, और एटीपी सिंथेसिस पार्टिकल्स भी मौजूद हैं, और ये देखें ये डीएनए भी मौजूद है। मैंने आपको क्लास में शायद डिस्कस किया था कि कुछ ऑर्गेनेलीज ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जिनका अपना डीएनए होता है, जब इनका अपना डीएनए होगा तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होंगे, यानी खुद से रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये भी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका अपना डीएनए मौजूद होता है, जब डीएनए मौजूद होगा तो इसको रेप्लिकेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये ऑर्गेनेली जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होगा। और इसी के अंदर देखें एटीपी सिंथेस पार्टिकल्स हैं, मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, तो यहाँ पर जो है वो एटीपी सिंथेसिस भी हो रही होती है। एटीपी स्टैंड्स फॉर एडीनोसिन, ए से एडीनोसिन, टी से ट्राई, पी से फॉस्फेट,
एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, तो ये एनर्जी जो है वो भी प्रोड्यूस हो रही होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसी के अंदर मैट्रिक्स इंक्लोज है, ये देखें उसमें भी फर्दर प्रोसेसेस जो आप मतलब डिफरेंट साइकिल्स पढ़ते हो, क्रैब साइकिल है और डिफरेंट बाकी ट्राईकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल्स होते हैं, तो ये जो साइकिल्स है ये माइटोकॉन्ड्रिया में या इसी एरियाज में जो है वो हो रहे होते हैं, डिफरेंट स्पेसिफिक लोकेशंस में हो रहे होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी उसमें रोल प्ले कर रहा होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बहुत ज़्यादा फंक्शंस है, बट टुडे द टॉपिक ऑफ कंसर्न इज इट्स मेम्ब्रेन, ये जो अंदर की तरफ हुई हुई है इसको हम कहते हैं क्रिस्टी, माइटोकॉन्ड्रिया को मेम्ब्रेन को क्रिस्टी कहते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन को हम सिस्टर्नी कहेंगे, तो होपफुली ये जो क्रिस्टी है आपको समझ में आ गया होगा, ये बार बार फोकस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं द मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज, तो वो ऑप्शन में क्रिस्टी भी देंगे, वो ऑप्शन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे सकते हैं, वो ऑप्शन में सिस्टर्नी दे सकते हैं, और ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, कुछ भी ऑप्शन दे सकते हैं, तो ये हमको पता होना चाहिए कि जो मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की उसको हम कहते हैं क्रिस्टी। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज वो होंगे विच आर नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, जो ऑर्गेनेलीज जिनको बाउंड नहीं किया हुआ होगा मेम्ब्रेन ने उसको हम कहेंगे नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज, जैसे कि राइबोसोम्स, राइबोसोम्स की अपनी अलग से कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी आप कह लो कि इसको किसी और दूसरी मेम्ब्रेन ने सराउंड नहीं किया हुआ होता, ये साइटोप्लाज्म में वैसे ही मौजूद होते हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती हैं ये भी आप कह लो नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज में ही आएंगी, माइक्रोट्यूब्यूल्स और राइबोसोम्स, इसके अलावा ये नहीं है कि सिर्फ यही दो स्ट्रक्चर्स जो है वो नॉन मेम्ब्रेनस हैं, और भी होते हैं स्ट्रक्चर्स, लेकिन हमारे पास जो हमने फिलहाल एग्जांपल दी हुई है वो राइबोसोम्स की दी हुई है, या फिर आप कह सकते हो माइक्रोट्यूब्यूल्स की, माइक्रोट्यूब्यूल्स आपके नोट्स में मेंशन है, तो आप लोग, मैंने पहले भी कहा था नोट्स सामने रख के बैठोगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कोई बातें, जो अब जैसे मैंने आपको एटीपी का बताया, जैसे मैंने आपको इसकी मेम्ब्रेन्स के नेम्स बताए, वो नोट्स में जैसे मेंशन नहीं है, तो अगर आप साथ के साथ लिख लोगे तो वो आपको वाइवा के लिए जो है वो दिक्कत नहीं होगी। तो नेक्स्ट ये देखें, राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल है, तो राइबोसोम इसमें मौजूद है क्योंकि ये नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, नॉन मेम्ब्रेनस है, उसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो ये प्रोकैरियोट में मौजूद है। डायग्राम दिखाने का मकसद यही है कि आपको दिखाया जा सके कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम मौजूद होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में भी मौजूद होंगे, बट प्रोकैरियोटिक के अंदर मैंने इसलिए स्पेसिफाई किया है कि यहाँ पर नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज तो होते हैं, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज नहीं होते, तो यहाँ पर ये आपको डिस्प्ले हो रहे हैं राइबोसोम्स, इनकी अपनी अलग से कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, तो ये प्रोकैरियोट्स में मौजूद होंगे। तो आज का लेक्चर जो है वो थोड़ा सा समअप कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया। आज का जो हमारा ऑर्गेनेलीज मैंने स्टडी कराया है वो है साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि ये पोर्शन होता है जिससे सराउंड किया हुआ होता है न्यूक्लियस को, और इसको बाउंड किया हुआ होता है सेल मेम्ब्रेन ने। फिर ये थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर हमने देख लिया था कि ये जो मैंने कहा था कि लाइट ब्लू कलर का इसका ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, और फिर जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ सेल में जोन्स ऑफ साइटोप्लाज्म हमने देखे, उसमें एक्टोप्लाज्म है और फिर एंडोप्लाज्म था, तो एक्टोप्लाज्म जो जोन साइटोप्लाज्म का जो सेल मेम्ब्रेन से करीब करीब था उसको हम कह रहे थे एक्टोप्लाज्म, ये बेसिकली पेरिफेरी के पास पास होता है, और उसके बाद हमने एंडोप्लाज्म को स्टडी किया, तो डैट जोन ऑफ साइटोप्लाज्म विच इज़ नियर टू न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के करीब करीब होगा उसको हम क्या कहेंगे एंडोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म अंदर की तरफ होता है, एक्टोप्लाज्म बाहर यानी पेरिफेरी की तरफ बाउंड्री की तरफ होता है। फिर ये इसकी मैंने डायग्राम दिखाई थी आपको कि जो न्यूक्लियस के पास पास पोर्शन है उसको हम एंडोप्लाज्म कह रहे हैं, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब करीब है, प्लाज्मा लैमा के करीब करीब है, उसको हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं, तो ये आपको बता दिया था। उसके बाद जो है वो हमारे पास नेक्स्ट है, हमने कंपोजिशन के हवाले से बात की कि कंपोजिशन में ये साइटोसोल, इंक्लूजंस और ऑर्गेनेलीज जो है वो इसमें मौजूद होती हैं। साइटोसोल को हमने कहा कि क्लियर फ्लूइड होता है साइटोप्लाज्म का, जिसको हम साइटोसोल कहते हैं। इंक्लूजंस का मैंने बताया कि ये इनसॉल्युबल होती हैं, सस्पेंडेड होती हैं साइटोसोल में, और इसमें एग्जाम्पल्स क्या है, स्टोर्ड फूड है, ग्रेन्यूल्स, पिगमेंट्स, ये इंक्लूजंस होती हैं साइटोप्लाज्म में, मौजूद होती हैं। उसके बाद हमने इसकी स्ट्रक्चर को देख लिया कि इस तरह से कुछ आपको नज़र आएंगी इन्फ्लुएंस इन द साइटोप्लाज्म। फिर हमने ऑर्गेनेलीज देख लिया कि इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर डेट हैज़ वन और मोर स्पेसिफिक जॉब,
जो परफॉर्म करते हैं सेल में, इनको हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। और ऑर्गेनेलीज में फिर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलीज जो है वो हमने कहा मेम्ब्रेनस और नॉन मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनस में मैंने कहा मेम्ब्रेन होगी, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वो ऑर्गेनेलीज हैं जिनकी अपनी अपनी मेम्ब्रेन्स होती हैं। और फिर हमने डिस्कस किया था इसको, मैंने आपको थोड़ा सा क्रिस्टिका बताया था। और उसके बाद है हमारे पास नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज, तो वो ऑर्गेनेलीज होते हैं डेट आर नॉट बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन। और इनकी एग्जांपल मैंने आपको बताई राइबोसोम, और ये आपको डायग्राम दिखा दी। होपफुली साइटोप्लाज्म अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं दो स्ट्रक्चर एक साथ ऑर्गेनेली इसलिए नहीं करा रही कि याद करने में, पढ़ने में आपको किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी पेश ना आए। वन वन करके ऑर्गेनेलीज अगर हम स्टडी करेंगे तो आपको अच्छे से समझ भी आ जाएंगे और याद करना भी आसान हो जाएगा। हाँ, जो ऑर्गेनेलीज स्मॉल मतलब आप कह लो ईजी होंगे और उनका ज़्यादा डिटेल नहीं हमें करनी होगी तो वो फिर मैं दो दो भी करवा दूंगी। तो अभी फ़िलहाल जो है वो वन मैंने आपको साइटोप्लाज्म कराया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस कराऊंगी। और अगर हमारे पास मतलब मुझे लगा कि ये इजीली आप कर लोगे तो फिर मैं नेक्स्ट ऑर्गेनेल स्टार्ट कराऊंगी, अदरवाइज़ हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। होपफुली यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको, किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट जो है वो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, पढ़ के बैठिएगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, ताकि जब मैं डिस्कस कराऊँ तो आपको पढ़ना जो है वो ज़्यादा इजी हो जाता है अगर हमने पहले से कुछ पढ़ा हुआ हो ना। तो होपफुली यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, फर्दर लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।